यू, 12 बज हैप्पी बर्थडे गया। बेबी, मैं डांट खाऊंगा। हैप्पी बर्थडे बेबी, मैं डांट खाऊंगा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Fawaz. Happy birthday to you. 12 बज गया। Happy birthday baby, मैं डांट खाऊंगा। Happy birthday baby, मैं डांट खाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी चैनल। कैसे हैं आप जी? उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप मज़े में होंगे और खुश होंगे। अभी मैं अपना व्लॉग शाम में शुरू कर रही हूँ और शाम में ही मैं इसे ख़त्म कर दूँगी। एक्चुअली आपको पता चल गया होगा कि मेरे बेटे का आज बर्थडे है। रात को हम सभी ने विश किया उसे और वो कह ही जा रहा था एक्चुअली कि आप मुझे जितना भी विश कर ले, आप मुझे डांटती हैं और डांटेंगे ही मेरे बर्थडे के दिन। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बेटे को ना डांटूँ, लेकिन वो ऐसे ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें करता है कि उसे डांट पड़ती है। और वैसे भी माँ जो है वो अपने बच्चों को डांटती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो बस वही कह रहा था कि मुझे तो डांट पड़ती ही रहेगी मम्मी। तो मैंने सोचा क्यों ना उसे शाम में कहीं लेकर जाएं। एक्चुअली अभी पता है कि जो सिचुएशन चल रही है उसमें कहीं रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना ये सब पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को था कि कहीं बाहर थोड़ा सा एक राउंड लगा लेंगे, थोड़ा बच्चों का मन बहल जाएगा। और आते वक्त बेटे को पिज़्ज़ा खाना था, तो पिज़्ज़ा शवरमा उसका फेवरेट है, वो सारी चीज़ों को हम पार्सल कर लेंगे और घर में फिर हम छोटा सा एक अपना एक गैदरिंग कर लेंगे, हम हमारी जो छोटी सी फैमिली है। और मैंने सोचा कि केक भी मैं ले आऊँगी बेटे के लिए और वो केक कटिंग कर लेगा। लेकिन बातों ही बातों में हम यहाँ पे आ गए हैं अभी MG रोड, और अब देखते हैं कि यहाँ पे प्लानिंग वही रहती है या चेंज होती है। तो अभी हम ब्रिगेड रोड पे घूम रहे हैं, और जैसा कि सभी को पता है जो भी बैंगलोर में रहते हैं उन्हें तो पता ही है कि ब्रिगेड रोड अपने चहल पहल, अपने रौनक के लिए जाना जाता है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे चहल पहल रहती है, एक काइंड ऑफ अ शॉपिंग हब है, लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत ही फेमस एक पॉइंट है। लेकिन अभी जो उसकी हालत है वो जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था हम लोगों को, इतना सुनसान सा था। जस्ट जो व्हीकल्स क्रॉस हो रही थी वही, उसके अलावा जो शॉपिंग का बहुत बुरा हाल था। तो यहाँ पे मैं तो पहली बार आई हूँ जब से ये कोरोना का स्टार्ट हुआ है, और एक देखने को मिल गया कि कैसे क्या चीज़ कैसे चल रही है वहाँ पे। और उसके बाद बेटे ने कहा कि मम्मी चलते हैं हम चर्च स्ट्रीट, और वहाँ पे एक कैफ़े है जहाँ पहले भी हम आ चुके हैं, और बेटे को उसे वहाँ का ब्लू चीज़ केक उसे बहुत पसंद आया था। तो उसने ये कहा कि उसे यहाँ पे ब्लू चीज़ केक खाना है, और एक्चुअली आज उसका बर्थडे भी था तो यही था कि जो भी वो विश करे वो चीज़ हम पूरी कर दें। तो अभी बेटे ने अभी ब्लू चीज़ केक ऑर्डर किया है और बेटी ने ब्राउनी विद आइसक्रीम। अभी हम यहाँ पे केक खा रहे थे और बाहर बहुत तेज़ की बारिश शुरू हो गई। मतलब इट वाज़ अ नैरो स्केप कि जैसे हम यहाँ पे अंदर आए बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ की बारिश हो गई। तो अभी अब जो बच्चे हैं वो अपना फिनिश कर रहे हैं जो उन्होंने ऑर्डर किया था। हम लोगों ने एक दो पीसेस उसमें से जो है बाइट्स लिया, और बेटी यहाँ पे कॉर्नर में बैठी हुई है क्योंकि हम लोगों ने कॉर्नर का ही प्लेस सेलेक्ट किया, क्योंकि अब ये पहली बार ऐसा हुआ जहाँ पे हम आकर
बैठ कर वहाँ पे खा रहे हैं। और ये एक चीज़ मैंने नोटिस की कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा था, एक्चुअली डिस्टेंस का बहुत ध्यान दिया जा रहा था, डिस्टेंस मेंटेन किया गया था यहाँ पे। और जो हमारे भी जो चेयर्स थे, जो सिटिंग एरिया थी हमारी, वो भी सब आपस में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे थे। और इसी बीच अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है यहाँ पे बच्चों की वजह से, उन्हें फिर बर्गर, जब बेटे ने कहा कि अब रहन देते हैं पिज़्ज़ा का जो हम लोगों का प्लान था वो छोड़ देते हैं, और यहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल थी तो एक्चुअली उन्होंने बर्गर ऑर्डर किया है और कुछ पनीर के रोल्स ऑर्डर किए हैं। इन्हीं को यही इतना ज़्यादा हो गया था बच्चों के लिए कि उसके बाद फिर वो और कुछ ले नहीं पाए। और फिर बाद में कुछ चीज़ें तो फिर हम जो है वो घर पे पार्सल लेकर गए थे, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जा रहा था हम लोगों के लिए। तो मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा डीप में जाकर मैंने अपने बच्चों की डिटेल्स नहीं दी हैं, लेकिन आज उसका बर्थडे है तो सोचा कि ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूँ मैं उसके बारे में। एक्चुअली उसका नाम फवाज है और वो अब 14 ईयर का हो गया है इस साल। 22 अगस्त को उसका बर्थडे पड़ा था और उस टाइम पर मैंने ये वीडियो शूट किया था बट अपलोड नहीं कर पाई, तो मैं अब कर रही हूँ। और मेरा जो कह सकते हैं कि बैंगलोर जब मैं आई शादी के बाद, तो जो मेरा पहला मुझे दोस्त मिला वो मेरा बेटा ही है। मैं उससे बहुत ज़्यादा, जब रात को मुझे उसके लिए उठना पड़ता था जब वो बहुत छोटा था, अराउंड मुझे लगता है कि 15 डेज़ का या 10 डेज़ का होगा, तब मैं उसके लिए जब उठती थी तो मैं उस टाइम से ही रात में उससे उठकर बातें किया करती थी। भले वो मुझसे मेरी बातों को समझे ना समझे, लेकिन मेरे लिए ऐसा था कि शायद मुझे एक टॉय मिल गया है, एक मेरा एक कंपेनियन आ गया है, क्योंकि मैं बैंगलोर में बहुत अकेली थी यहाँ पे जब मैं आई थी, मेरा कोई नहीं था यहाँ पे। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक कोई मुझे फ्रेंड मिल गया हो। तो मैं उसे हमेशा कहती हूँ कि वो मेरा पहला फ्रेंड है बैंगलोर का। लेकिन ये है कि मैं अब जब थोड़ा बड़ा हो गया है, अब उसकी एज भी ऐसी है कि कुछ कुछ मिस्टेक्स जो वो करता है तो मैं उसे ज़रूर ज़रूर डांटती हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हम शेयर करते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और एक ये होना चाहिए, ये ज़रूरी होना चाहिए बच्चों के साथ कि उन्हें हमेशा लगे कि उनके पेरेंट उनके साथ खड़े हैं। तो जहाँ मुझे उन पर गुस्सा करना होता है मैं ज़रूर गुस्सा करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं उसके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, बात करती हूँ, बहुत ही अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है। और वो भी मेरे लिए बहुत कुछ करता है, बहुत ऐसी चीज़ें करता है वो मेरे लिए जहाँ पे मुझे पता होता है कि अगर कोई मेरे लिए ना करे तो मेरा बेटा या जो मेरी बेटी है छोटी वो लोग ज़रूर करेंगे। तो ये चीज़ों का इस तरह से बहुत अच्छा बॉन्डिंग है हम सभी के बीच में। तो ये थोड़ी सी मेरी डिटेल, छोटी सी डिटेल थी अपने बेटे के बारे में, जो मेरा बैंगलोर का मेरा सबसे पहला फ्रेंड फवाज। जब यहाँ पे हम आए थे तो थोड़ा सा डर सा लग रहा था कि पता नहीं कितना सेफ है कि बच्चे भी साथ में आए हुए हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा था, जो स्टाफ थे यहाँ के वो रेगुलरली इसे क्लीन किए जा रहे थे, सैनिटाइज़ कर रहे थे, जब भी कोई विजिटर्स उठते तो उनके बाद इमिडिएटली उन जगहों को, टेबल्स चेयर्स को सैनिटाइज़ किया जा रहा था। और जो हम भी बैठे हुए हैं तो बहुत हमारे बीच में भी डिस्टेंस को रखा गया है, इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब बस बच्चे जो है अभी फिनिश करने ही वाले हैं तो हम बाहर निकलेंगे, और जैसे बाहर निकले बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी, तो अभी कुछ देर तो हम यहाँ पे हम भी वेट करेंगे। बहुत प्यारी बारिश हो रही थी और अभी तो पता ही कि बारिश का मौसम है, बारिश हो ही जा रही है, कभी भी हो जाती है, तो मौसम भी काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे तो कुछ देर हम खड़े रहे, बारिश के ख़त्म होने का वेट किया, और बहुत ही आज का दिन बहुत ही अच्छा बीता। बस यही है कि अगर सबसे बड़ा जो ये है आपके लाइफ में बून कहते हैं या जो ब्लेसिंग है, वो आपका कैसा रिलेशन है आपकी फैमिली के साथ वो मैटर करता है। आप कितने भी रिच हो जाएं लेकिन अगर रिलेशन अच्छा नहीं है तो सारा का सारा बेकार होता है। तो बस यही, ये चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और आज मैं, मुझे भी बहुत ही सेटिस्फेक्शन हो रहा था कि मैं बच्चों को बाहर लेकर आई हूँ और उनके साथ का ही, उनके हिसाब से ही मैंने मैचिंग का आज ड्रेस पहना था, बच्चों ने जीन्स पहना था, तो उनके हिसाब से ही, ताकि मैं भी उनके ही एक कंपनी में आ जाऊं। और अब हम जा रहे हैं वापस। तो चलिए, आज का एक छोटा सा ये मेरा व्लॉग था अपने बेटे के बर्थडे के ऊपर। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।